गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी दौरान दरभंगा के बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 दरभंगा के समादेष्टा शैशव यादव ने कैंप में झंडा तोलन किया, जिस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। आइए देखिए इस पूरी खबर में। नंबर 6 थम, नंबर 7 थम, नंबर 8 थम, नंबर 9 थम, नंबर 10 थम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 7 नंबर प्लाटून के कंपनी कमांडर है राजीव कुमार, जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए। बहुत अच्छा 7 नंबर। कम समय में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन प्रशिक्षुओं का, बहुत ही अच्छी मार्चिंग। बहुत अच्छा ड्रेसिंग का ख्याल रखते हैं। अच्छा, सभी प्लाटून मंच से गुजरते हुए नंबर 11 प्लाटून सामने तक। सभी प्लाटून मंच से गुजरते हुए नंबर 11 प्लाटून सामने तक। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 दरभंगा में आज परेड का समापन हो चुका है, और मुख्य रूप से समादेष्टा महोदय द्वारा ये व्यवस्था करवाया गया था। और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 पहले BMP 13 के नाम से जाना जाता था, और उसका नामकरण हो गया, उसके बाद बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 दरभंगा के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ 992 के करीब में प्रशिक्षु आए हैं, जिसमें विभिन्न वाहनियों से अनुदेशक लोग के द्वारा यहाँ पोस्टिंग किया गया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रशिक्षण बुनियादी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कंपनी कमांडर के अलावा हवलदार लोग जो अनुदेशक के पद पे होते हैं, मुख्य रूप से उनका ही यहाँ वर्क रहता है, और यहाँ अनुदेशक लोग लगभग 40 के आंकड़े में हैं, और टोटल बुनियादी प्रशिक्षण 992 है। और यही बहुत ही अच्छा, हर साल के बाद ही इस साल अच्छा प्रदर्शन किया गया, और परेड में बहुत ही तत्परतापूर्वक अपना सेवा प्रदान करते रहते हैं।
इसके अलावा 2013 दरभंगा हवाई अड्डा का सुरक्षा की जवाबदेही दी गई है, जिसे लगभग 2 वर्षों से ऊपर से बहुत कुशलतापूर्वक निर्वहन किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके द्वारा जो उत्कृष्ट परेड का प्रदर्शन किया गया है, इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। इसी तरह हमेशा कुछ सीखते रहेंगे तथा अपने पुलिस बल की छवि को जनता में और विश्वास बनाएंगे। इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, जिस वजह से इस दिवस को हम लोग तब से हर वर्ष हर्ष और उल्लास के साथ त्योहार के रूप में मनाते हैं। दोस्तों एवं साथियों, भारत को गणतंत्र बनाए रखने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को सहयोग करना होगा, चाहे वह जिस क्षेत्र में हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। इसमें सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें निरंतर इसे सीखना चाहिए। हमारे सोचने की क्षमता, शारीरिक क्षमता, व्यक्तित्व इत्यादि का विकास हो सके तथा इस देश का सेवा निरंतर हम लोग जारी रख सके। पुलिस बल में हमेशा तरह तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, साथ ही अनुभवी पदाधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन भी दिया जाता है। हमें सभी प्रकार के प्रशिक्षण तन मन से भाग लेना चाहिए, ताकि इससे अपने सेवा में हम लोग को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। वर्तमान में इस वाहिनी में 991 महिला प्रशिक्षु प्रशिक्षणरत हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, जिन्हें बहुत ही सुयोग्य और अनुभवी बिहार के विभिन्न जिले और इकाई से चुने हुए अंतर विषय एवं बाह्य विषय के अनुदेशक द्वारा बुनियादी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण को मात्र 1.5 महीने हुए हैं और प्रशिक्षुओं द्वारा 8 प्लाटून के रूप में आज जो परेड किया गया, वह बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए प्रशिक्षु और अनुदेशक, यहाँ के प्रशासन सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह से निरंतर हम लोग आप लोगों को प्रशिक्षण देते हुए एक जवाबदेह कर्मी के रूप में यहाँ से पास आउट कराएंगे। यह प्रशिक्षण भविष्य में आपको फील्ड ड्यूटी में काम करने के दौरान तथा अन्य परिस्थिति में हर कठिनाई का समाधान आपका कराएंगे। इस प्रशिक्षण के प्रत्येक दिन को जैसा बताया गया है।